ये गाड़ी 170 किलोमीटर जाती है सिंगल चार्ज में अंडर टेस्ट कंडीशन। हाँ, रोड फीडबैक क्या है, मार्केट फीडबैक क्या है? मार्केट में बोल रहा हूँ, रेंज में बता रहा हूँ, सिंगल चार्ज में 170 किलोमीटर ये गाड़ी जाती है हमारी। ओके, इसका बैटरी पावर है 4 किलोवाट का। चार्जिंग टाइम कितना है? 6 घंटा 48 मिनट। 6.5 घंटा चार्जिंग की सर, घर के स्लो चार्जिंग से। ओके, ठीक है। और अपना ये जो है ना, फास्ट चार्जिंग जो हमारा लगेगा, 5-15 मिनट के चार्ज में 50% यानी 30 मिनट में। फास्ट चार्जर करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल कनेक्शन चाहिए क्या? हाँ, अगर वो अलग से खरीदना होता है जो कि हमारी डिवाइसेस वो सफिशियंट है या आपको स्पेशल चाहिए उसके लिए? नहीं सर, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं चाहिए। हमारा जो चार्जर है 750 वाट का चार्जर है ना, आप घर के किसी भी प्लग से वो करके चार्ज कर। फास्ट चार्जिंग वाला कितने वाट का? फास्ट चार्जिंग वाला नहीं मालूम है। अच्छा, जो स्टेशन वाच लगेंगे ना वहाँ से फास्ट चार्जिंग होगा। घर पे नहीं इंस्टॉल नहीं होगा वो। अच्छा, ओके। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए या तो आप फोन से कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रंक भी ओपन करना होगा ना तो फोन से या फिर डिस्प्ले से, है ना। एंड कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें, 36 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपकी काफी सामान आ सकती है, है ना। ट्यूबलेस टायर है और दोनों डिस्क ब्रेक है फ्रंट एंड रियर। चार्जर काफी है भैया, कुछ वो भी देता है क्या, लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह? हाँ सर, इसमें GPS कनेक्टिविटी है ना और मैप माई इंडिया है इसमें, है ना। आप जैसे रास्ता लगाते हैं, सर्च करते हैं, जैसे मैं मान लिया भगवान टाकीज आपको यहाँ से जाना है, ठीक है, तो आप सर्च करेंगे भगवान ठीक है, वो GPS पर बोल रहा हूँ कि इसमें वो भी है क्या, ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रैकिंग क्या है ना वगैरह हो जाए तो? हाँ है ना, है ना, इसमें GPS कनेक्टिविटी है, आपके फोन पे मालूम पड़ता रहेगा कि ये गाड़ी कितनी, फोन के ऐप में वो बताएगा कि गाड़ी अभी कहाँ पे है, कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली गई है। लेकिन वो जो हमारे अपडेट होंगे ना, उस अपडेशन में ऐसा फीचर्स आएंगे, जैसे हमारी गाड़ी अभी नहीं है, अभी जैसे गाड़ी अपडेट होती है, जैसे आपका फोन है अपडेट होता है तो नए नए फीचर्स आते रहते हैं, सेम अपडेट होगी, नए नए फीचर्स आते रहेंगे, कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, गारंटीड लाइसेंस के अपडेट्स मिलेंगे बिना पैसे के, जो भी बाद में आएगा। हाँ, वो बिना पैसे के मिलेंगे, जो कुछ भी होगा बिना पैसे। वो काफी कार की मुझे खासतौर से पता है, जैसे टेस्ला की बात कर लो, बहुत से अपडेट्स पेड रहते हैं, तो अगर वो अपडेट करना है सॉफ्टवेयर आते जो नेसेसरी है, जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग वगैरह के हो गए, उनका पैसा देना पड़ता है अपडेट के लिए। बात इसमें गारंटीड है, इसमें अपडेट होती है तो किसी कस्टमर का पैसा नहीं लगता है, जिनकी गाड़ी अपडेट हो चुकी है। अपडेट क्या है इसमें? अभी अपडेट के लिए कैसे मोबाइल से डेटा देना पड़ेगा क्या? हमारी कंपनी आपको फोन करेगी। अच्छा, इधर लाना पड़ेगा, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे? नो सर, आपके घर पे ही गाड़ी अपडेट हो जाएगी। जो की हमारी कंपनी उसको मैनेज करती है, आपको पैसे डालने के लिए। तो मतलब इसमें जो GPS हम चलाएंगे उसके लिए हमें मोबाइल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना इंटरनेट के चलेगा? इंटरनेट की चलेगी। अभी देखिए वर्जन जो है ना इसका 2.0 है, ठीक है। जब अपडेट होगी ना OS 3 हो जाएगा, जिसमें कॉलिंग, पार्टी मोड एंड बहुत सारे फीचर्स नए आ जाएंगे हमारी गाड़ी में। उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कस्टमर सर्विस का, गाड़ी को खरीद ली, खरीद ली है पिछले साल में, सर देखिए बुरी बात बहुत तेज सोशल मीडिया पे, किसी गाड़ी को सर्विस करने में हमारी टीम देर लगा देती है, तो उसकी वजह से लोग भड़क जाते हैं,
क्यों नहीं होता है। एक और टिपिकल कंप्लेंट ये है कि जो आप रेंज क्लिक करते हो पीपल डोंट सी दैट। सर हमारी गाड़ी की ये इस वक्त प्रो की रेंज है ये आई है 181 किलोमीटर, इसका ट्रू रेंज है 170 किलोमीटर जो रोड पे चलती है ना। दूसरी बात इको मोड में अगर आप चल रहे हैं रेगुलर तो 170 किलोमीटर जाएगी 40 से 42 की स्पीड, ठीक है। वही लोग क्या करते हैं कि इको मोड पे चलते हैं कभी नॉर्मल लगा देते हैं कभी स्पोर्ट लगा देते हैं कभी हाइपर से चला देते हैं। तो मेरी गाड़ी के लिए है कि स्पोर्ट इको मोड पे 40 की स्पीड रेगुलर 170 किलोमीटर जाएगी, नॉर्मल मोड पे 135 किलोमीटर 80 की स्पीड जाएगी, स्पोर्ट मोड में 40 तो ऊपर निकल जाते हैं सिटी में भी तो नहीं मिलेगा। तो क्या 40 किलोमीटर पर आवर तक या गाड़ी को करा सकते हैं है ना। मैं पहली बार देख रहा हूँ ओला, जो कुछ भी एडवर्ट देखे थे पता नहीं नहीं इसमें ज़्यादा कैची लगता था वैसा फील नहीं आया। हाइपर मोड में स्पीड कितनी तेज पकड़ेगी स्पीड दिखाओ। काफी ज्यादा फास्ट है ये। सो मोड चेंज करने के लिए हम इससे मोड चेंज कर सकते हैं, ये अब है नॉर्मल मोड। ओके नॉर्मल में स्पीड है काफी धीमे पकड़ती है, अगर मैं इसी को स्पोर्ट करो थोड़ा तेज हाइपर सुपर फास्ट। ओह माय गॉड काफ़ी तेज है। सो काफ़ी मज़ा आ जाता है अगर इस हाइपर मोड लगाएं। चलो बंद कर देते हैं अब मैं ऐसे। आपका शुभ नाम भूल गया मैं।